जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, मिस्टर रोहन निगम, हु हैज बीन रिसेंटली रिकमेंडेड फ्रॉम बेंगलोर इन ओटीए। सो वी विल हैव हिज इनसाइट एंड हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वॉट स्ट्रेटजी वन शुड फॉलो फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ CDS That is going to be held on 4 September. So, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे रोहन जी के साथ। Let's welcome Rohan. So, hi Rohan, how are you? Hello sir, Jain. I'm very well sir. How are you? I'm perfectly fine, my dear. मैं दोस्त पहले तो congratulations to you, like you have qualified this exam and at a very right age, which I can say like 21 years if I'm not wrong. Your age is 21, right? Yes sir. So many many congratulations to you as well as your family. थैंक यू सर। रोहन, आप थोड़ा सा अपने बारे पहले थोड़ा बताएंगे, योर बैकग्राउंड इन स्टडीज एंड हाउ वाज योर प्रिपरेशन, ऑल दीज थिंग्स। ओके सर, शैल आई स्टार्ट? यस सर, डेफिनेटली माय डियर। तो सर, आफ्टर 10th मैंने PCM लिया था। ओके। क्योंकि एक ऐसा था होप कि मैं इंडिया के लिए प्रिपेयर करूंगा, उसके बाद तो मेरे को मैथ्स में हेल्प हो जाती, तो उसके लिए मैंने PCM लिया था। बट फिर 12th के बाद आई ट्राइड, इंडिया नहीं निकला मेरे से, दो तीन अटेम्प्ट दिए थे मैंने। रोहन, कैन यू बिट बी बिट थोड़े से लाउड हो सकते हैं आप? मैंने कोचिंग्स वगैरह ली थी उसके लिए, एनडीए के लिए, बट आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई। दो तीन बार मैंने पेपर दिया था, मैं नहीं निकल पाया था। एंड मेन, व्हाट डू यू फील, व्हाट वाज द मेन, दैट वाज द पॉइंट व्हिच यू वर गोइंग टू कम ऑन, क्या लगा, कारण क्या था उस समय सिलेक्शन ना होने का? तो सबसे बड़ी गलती जो उस टाइम पे ये होती थी कि मुझे क्या लगता था कि कोचिंग ले ली, हो गया, कि अब जैसे अगर आप पढ़ा के चले गए मेरे को सब बन जाएगा पेपर। ओके। तो वो सबसे बड़ी गलत चीज थी कि अगर सपोज कोई पढ़ा रहा है तो मेरे को सबसे पहले उसका रिविजन करना है, थोड़ा नोट्स बना के एंड प्रॉपर एक टाइमलाइन के हिसाब से उसको सेटअप करना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। उस टाइम पे ऐसा हो गया था सर कि जैसे आई वाज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश कि हाँ इंग्लिश तो हो जाएगा। अब जैसे क्या होता है, आदतें होती है कि देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, टिक कर दो, बट वो चीज़ इसमें नहीं चलती। ओके। तो उस वजह से दो तीन बार मैं फेल हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि रादर देन गोइंग फॉर बी और समथिंग, जो 4 साल के कोर्स होते हैं, मैं 3 साल में कुछ करता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली 3rd ईयर से CDS के लिए अप्लाई करना शुरू कर दूँगा। तो उसके बाद मैंने BCom किया एंड 2 साल तो लॉकडाउन के थे, तो 2 साल जनरल प्रमोशन हो गया, तो मेरे को अच्छा प्रिपरेशन का टाइम मिल गया। एंड उस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ थी सर, ये ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रहा था, तो मैंने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले ली थी। शुरू में तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि किससे पढ़ूँ, क्या पढ़ूं। मैं दोस्त कोचिंग के बारे तो भी पूछूंगा आपसे, पर मेरे को ये बताइए, लाइक इट वॉज लाइक अ चाइल्डहुड ड्रीम टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेज? नो सर, नॉट अ चाइल्डहुड ड्रीम आई वुड से, बट ऐसा था कि आई एम अ नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, तो मेरे साथ वाले जो दोस्त होते थे तो दे यूज टू प्रिपेयर फॉर रैलीज, तो वो दौड़ते थे एंड तो मेरा भी ऐसा होता था कि चलो मैं भी दौड़ता हूँ, वर्कआउट वगैरह करने लगा उनके साथ। फिर मैंने सोचा रिसर्च करता हूँ थोड़ा इस बारे में, तो पता किया तो ऑफिसर एंट्री थी एंड देखा कि उसमें भी कोर्स ऑलमोस्ट सेम रहता है जो CBSE बोर्ड में रहता है। तो मैंने बोला बेटर है कि उस पर अप्लाई करो, पापा ने भी बोला कि हाँ भाई सही है, ज्वाइन कर लिया। तो फिर मैंने ट्राई किया था उस पर, बट वो नहीं हो पाया था। मोटिवेशन ये था बेसिक कि क्योंकि पढ़ाई में सर आई वॉज नेवर दैट गुड, आई वॉज ऑलवेज बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट। ओके। क्लास 11th आई स्कोर्ड 59%, क्लास 12th आई स्कोर्ड 68-69%, समथिंग लाइक दैट। इवन इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आई स्कोर्ड 50% मार्क्स, इवन आई वॉज नॉट श्योर कि आई विल बी एबल टू स्कोर अराउंड 60% एग्रीगेट मार्क्स टू सेट फॉर AFCAT एग्जामिनेशन, बट देन जनरल प्रमोशन हो गया तो सेकेंड ईयर में 75% बन गया, थर्ड ईयर में भी 72 बन गए, 65 बन गए थे जैसे तैसे। समझा दोस्त। एक चीज और बताइएगा, लाइक योर पेरेंट्स नेवर आस्क यू टू ज्वाइन सम अदर थिंग, या आपके पेरेंट्स इसी लाइन को बिलोंग करते हैं? डू दे बिलोंग टू सेम? मेरा कंप्लीट सिविल बैकग्राउंड है। ओके। कोई भी पुलिस या फिर ऐसा कुछ भी डिफेंस सेक्टर में नहीं है। व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन? सो ही वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी। ओके। ACC सीमेंट फैक्ट्री। यू हैव एनी सिबलिंग्स आल्सो? या आई हैव टू एल्डर सिस्टर्स। टू एल्डर सिस्टर्स, व्हाट दे डू? So one is a chartered accountant and okay. The other one, the second one, she teaches Mandarin and Japanese. Okay.
मैंडरिन इज आई सपोज अ चाइनीज लैंग्वेज राइट? यस यस सर। तो सब मेरे को थोड़ा सा आपने अपने बारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे तो बताया, लेट्स कम टू द पॉइंट लाइक यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन। आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में तैयारी शुरू कर दी थी इन अ सेंस बीकॉम में, क्योंकि आपने एनडीए का सोच लिया था? यस सर। और एनडीए में आपको क्या लगा, व्हाट वाज इट योर, यू वर नॉट एबल टू गिव योर 100% और वाज इट अबाउट लाइक यू वर नॉट गाइडेड प्रॉपरली? सर मेजर रीजन था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था एंड मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि वो लैक ऑफ मेरा अवेयरनेस भी था उस टाइम पे, एंड सबसे बड़ी चीज थी कि मैं अपना 100% नहीं दे रहा था पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी। एंड एट दैट टाइम मैं स्पोर्ट्स में भी था, आई यूज टू गो फॉर कैंप्स एंड ऑल, तो मैं स्टेट्स वगैरह उस टाइम पे खेल रहा था, तो इट वाज अ मेजर डिस्ट्रैक्शन उस टाइम पे, क्योंकि जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। बिल्कुल, एक बार आप जाते हैं तो 4-5 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर मन नहीं करता पढ़ाई का, तो एक रीजन वो भी था, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। एंड सही सब तो एक्सक्यूज है, लेकिन हाँ मैंने अच्छे से नहीं किया था पढ़ाई इंडिया के लिए, ये तो आई एग्री। दोस्त मेरे अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट और था जो शायद अभी आई एम ए, आपने शायद उनकी इंटरव्यू देखी, ही वाज अ क्रिकेटर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ही हैज बीन रिसेंटली रिकमेंडेड टू दिस आई एम ए। तो मेरा ये मानना कि द वन हु इज इन स्पोर्ट्स दे आर गोइंग टू बी डेफिनेटली देयर इन द डिफेंस सर्विसेज, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टडीज, आई फील इट्स अबाउट द डिसिप्लिन, इट्स अबाउट द लाइक द क्विकनेस, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको सिर्फ पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई भी मतलब स्पोर्ट्स भी आपको बहुत चीजें सिखाती है, हाउ टू टेक द डिसीजंस एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? अब मैंने आपको ये भी चीज देखा कि आपने सीडीएस का फिर फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन शुरू किया था, लाइक यू वर टेलिंग अबाउट इट वाज ऑल अबाउट एडटेक थिंग्स वर हैपनिंग, कैन यू प्लीज आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, आप बता सकते हैं थोड़ा? नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ था कि सेकेंड ईयर के बाद लाइक जब 2020 में लॉकडाउन खत्म हो रहा था उस टाइम पे आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, की सोचा था कि जैसे ही थर्ड ईयर का खत्म होगा आई विल अप्लाई फॉर इट, तो मैं फिर प्रिपेयर करता रहा, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया एंड मैंने आपका लिया था, तो मैंने आपसे ज्योग्राफी पढ़ी थी उस टाइम पे एंड पॉलिटी पढ़ी थी, तो काफ़ी मतलब आपने मतलब, और एक चीज़ और थी सर एनडीए के टाइम पे और उसके पहले भी क्या होता था कि मेरे को कोई अगर सपोज एक पर्सन कोई एक सोर्स के बारे में बता रहा है कि ये बुक अच्छी है या फिर ये बुक अच्छी है, तो मैं क्या करता था सब उठा के ले आता था, वो पढ़ता भले कुछ नहीं था बट ले आके रख लेता था, एंड कोई बोल रहा है ये बुक अच्छी है तो मैं उसको पढ़ने लगा, कोई बोल रहा है ये, एंड एक सोर्स नहीं था मेरे पास प्रॉपर या फिर एक जिसकी मैं कम्प्लीटली सुन रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मैं बहुत सारे लोगों से सजेशंस ले रहा था, बहुत सारी बुक्स को रेफर कर रहा था, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पर। उसके बाद मैंने सीडीएस में डिसाइड किया था कि ऐसा नहीं करूँगा, जिसको भी एक एजुकेटर या फिर जो भी बुक होगी तो उसी को अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो सेम चीज़ वही हुई थी सर, आपने जैसे बोला था उस टाइम पे 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए, 12th की सिलेक्टिव कुछ सब्जेक्ट, 9th-10th का कुछ सिलेक्टिव पार्ट और जीसी लिया हूँ, तो उतना मैं करता था एंड याद करने वाली आदत थी नहीं सर पढ़ाई में कभी वैसा था नहीं, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, जैसे आप पढ़ा के जाते थे तो जैसे मैप्स के थ्रू लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है सर, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, तो मैं मैप्स लेके बैठता था एंड टाइम लगता था। क्या होता था कि मैं मोस्टली आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखता था उस टाइम पर, 2x पे देखता था और दो बार देख लेता था, सपोज एक सब टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं दो बार देख लेता था, क्योंकि मैं रात को पढ़ता था मोस्टली, तो वो सीन होता था एंड एटलस रखता था साथ में, जो भी आप चीज़, क्योंकि ज्योग्राफी सर बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब पहले मेरे को बहुत डर लगता था उससे कि ज्योग्राफी है कैसे होगा, बट बाद में आई रियलाइज कि बहुत कंसेप्चुअल है, अगर एक बार समझ में आ गया आपको तो फिर आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लोगे अच्छा खासा उसमें। सबसे अच्छी चीज़ उसमें वो हुई थी एंड फिर जैसे जैसे सर मैंने प्रिपरेशन चालू की आई वॉज अ बिट कॉन्फिडेंट, एटलीस्ट जीएस को लेके सर मैं बहुत अच्छा हो गया था, मेरे मतलब अभी वो मार्कशीट आई है ना उसकी या यूपीएससी की आंसर शीट, तो आई स्कोर 44 मार्क्स सर इन जीएस पार्ट, दैट्स वंडरफुल बल्कि, यस सर, एंड इंग्लिश में बल्कि मेरा कम था स्कोर, तो ओवरऑल मेरा स्कोर 107-108 पे आ गया था, यही सीन था। बट मेजर सर आई लाइक टू थैंक यू फॉर पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, उसके लिए पॉलिटी ज्योग्राफी आप मेरे साथ पढ़े, लेकिन आपको ये चीज हाउ डिड यू, कि आपको कैसा फील हुआ, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन ऑनलाइन राइट, इंटरनेट पे भी इफ यू गो देयर आर एम्पल ऑफ यूट्यूब चैनल्स व्हिच आर गाइडिंग यू फॉर सीडीएस पेपर राइट, मतलब लाइक प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हैं, लेकिन तुम्हें कैसा लगा कि यार ये बंदा ठीक कह रहा है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ इफ आई चेक आउट द यूट्यूब और एनीथिंग देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एग्जाम बट दे आर बीइंग टॉट, यस सर, because that thing is happening everywhere, even in the coaching industry also that thing is happening which I have seen lot of places, yes sir, par tumhe kaise trust kaise bana ki bhai ye jo banda keh raha sahi keh raha, kyunki ye cheez sabse pehli zarurat hai ji, so maine pehle bhi I referred some educators, okay, and fir uske baad kya hota tha jaise main wo laga, I'll tell you also, exam ke 2 mahine pehle se maine aapka geography ka course start kiya tha,
मैंने पहले कोर्स लिया था बट फिर क्या हुआ था कि मैं मॉक्स वगैरह लगा रहा था तो बन नहीं रहे थे सर, मतलब ऐसा बन तो रहे थे बट कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे उतने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी। तो फिर मैं क्या था कि क्योंकि अनअकैडमी पे सर बहुत सारे एजुकेटर्स होते हैं, जब आप नया नया आप उस पर लॉग इन करते हो तो पता ही नहीं होता कि किससे पढ़ना है, तो नॉर्मली बच्चे कहीं भी चले जाते हैं, ऐसा वैसा हो जाता है, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है उस पर। तो शुरू में मेरे साथ भी ये हुआ था, शुरू के 1-2 महीने तो मेरे को फिगर आउट करने भी लगे कि किससे पढ़ना है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, फिर धीरे धीरे आके फिर वो सेटल डाउन हुआ। एंड जैसे जैसे सर जैसे कोई टीचर एजुकेट पढ़ाता है तो बाद में समझ में आता है कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो डेफिनेटली एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है कि जब क्वेश्चंस बनने लगते हैं ना, आपका डेफिनेटली ट्रस्ट बिल्ड होता है तो मॉक एजुकेटर कहाँ से पे। लगाते थे आप? सर मैं मोस्टली प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाता था, एंड दिशा की एक बुक आती है वो 10 ईयर्स 12 ईयर्स वाली, तो उससे आई यूज टू डू। रिड्यूस। और आपने किसी कोई सीनियर को भी फॉलो किया था, द वन हु कोई आपका कोई मेंटर था, समबडी हु कैन गाइड यू लाइक एनीथिंग, भी कोई सीनियर नो सिलेक्शन खुद ही इधर ही अन नो अकेडमी पर ही आप होली एंड सोली यूअर फोकस्ड? यस 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 सर, आज तक मतलब मेरे स्कूल में आई डोंट नो कि मेरा कोई सीनियर ऐसा है जो इस फील्ड में, मतलब थे बंदे देते थे पेपर बट ऐसा कोई सीरियस नहीं था उसके कि सिर्फ वही दे रहा हो, ओके। तो कोई ऐसा था नहीं उस फील्ड में। बट जैसे ही मैंने अनअकैडमी वगैरह, जब फ्रेंड्स का एक ग्रुप बन जाता है सर धीरे धीरे, तो बिल्कुल वो फिर उसके साथ काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है दोस्तों के साथ, वो ठीक चीज़ दोस्त। हुई थी। तो जब तुमने ज्योग्राफी मेरे साथ लगाया तो पहले अकेला ज्योग्राफी लगाया था कि दोनों लगाए थे, पॉलिटी भी इकट्ठे? पहले पहले ज्योग्राफी लगाया था सर, देन फिर हाउ डिड यू मैथ। कम टू नो, बिकॉज पीपल 90% ऑफ पीपल नो मी फॉर ज्योग्राफी, यस सर यस सर, सो हाउ वॉज एंड योर पॉलिटी एक्सपीरियंस विद मी? सर एक्चुअली मेरे को आपका पढ़ाने का तरीका बहुत सही लगता है, सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है, थोड़ा फ्रैंकनेस भी रहती है, फिर थोड़ा जैसे बच्चे चैट्स में कुछ कुछ करते रहते तो आप उनको थोड़ा चिल्ला के शांत भी करवाते तो सही रहता है वो। एंड अपना मुझसे मेरे जैसे टोन है हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है, तो एकदम पूरी इंग्लिश में भी पढ़ाई नहीं होती, पूरी हिंदी में पढ़ाई नहीं होती, तो मिक्स जो मतलब अपना एक बोलने का तरीका होता है उसमें अच्छे से समझ में आता है, तो वो एक बेनिफिट हो रहा था। एंड फिर आपने शायद कुछ ऐसा लिंक वगैरह डाला था ग्रुप में कि पॉलिटी का कोर्स था, तो मैंने देख लेता हूँ, टाइम था मेरे पास 2 महीने का, तो आई थॉट कि स्टार्ट तो करता हूँ देखता हूँ अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, बट स्टार्ट किया तो फिर धीरे धीरे मैंने आपका कोर्स किया, फिर साथ में क्या करता था लक्ष्मीकांत थोड़ी थोड़ी पढ़ता जाता था टू जस्ट रिवाइज, क्योंकि जब आप एक बार आपको पढ़ा देते हैं फिर रिवाइज करने में समझ में अच्छा आता है, एंड फिर एक बार रीड कर लो तो और अच्छा बैठ जाता है दिमाग में, तो बस पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए मैं ये करता था। एंड धीरे धीरे सर फिर उसके बाद आखिरी के 15-20 दिन, 15-20 दिन पहले ही मेरा कोर्स खत्म हुए थे सारे, 2x की स्पीड में फटाफट सर खत्म कर रहा था मैं। एंड साइंस मैंने खुद से किया था 9th 10th की एनसीईआरटी बस, और कुछ नहीं किया था तुम्हें उसमें किसने बताया था कि अकेली 9th 10th ही करनी है? से, किसी ने नहीं बताया था, बट एक ऐसा मतलब फ्रेंड था मेरा, तो हमारा ऐसा था कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठ के बहुत सारे एनालाइज किए पिछले 4-5 साल की, एंड मैक्सिमम लाइक अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो 9th 10th से ही आता है सर सारा वो दोस्त, क्योंकि सारा। अभी लाइक फॉर द लास्ट 6 months आई हैव बीन फोकसिंग ऑन दैट साइंस पार्ट विद मोस्ट यस ऑफ द सर पीपल फॉर एनसीईआरटी, यस एंड राइट सर नाउ आई हैव पुट अप द कोर्स ऑन हिस्ट्री ऑल्सो, विच आई फील लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी देयर इन दैट टॉपिक, यस यस क्योंकि सर जो चीज़ें मेरे को आई ट्राई टू रिसर्च ऑन द थिंग्स लाइक यस वेयर सर यूपीएससी माइंड इज गोइंग, उस हिसाब से ही मैंने रखा है। मैंने साइंस और हिस्ट्री दोनों चीज़ें अब अच्छे से इस प्लेटफॉर्म पे करवाई हैं, एंड वी विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। यस सर तो बहुत बढ़िया। एक आप ये भी बताइए लाइक व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी, लाइक शुड इट बी अ सिलेक्टिव स्टडी और वी शुड गो अ थॉरो स्टडी भी, अच्छे से बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से सिलेक्टिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने भी, जैसे आपने जब पहला आपका इंट्रोडक्शन सेशन था तो उसमें आपने बोला सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2-3 सब्जेक्ट उठाओ और अच्छे से पढ़ो उसको, ये चीज़ एक मेरे को बहुत सही लगी थी। एंड उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ने का ट्राई किया बहुत बार, लेकिन मेरे को आते समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया था फिर हिस्ट्री। मैंने सोचा कि पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी, इन 4 सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा एंड अच्छा हो जाएगा, लाइक आराम से 30 मार्क्स तो आएंगे अगर अच्छे से सब पढ़ लिया तो। वो चीज़ हुई थी सर, बस 4 सब्जेक्ट उठाए थे मैंने, एंड 4 सब्जेक्ट्स में भी जैसे साइंस में आपने बताया था 9th 10th की एनसीईआरटी, तो 9th 10th की एनसीईआरटी ही ली मैंने बस, और कुछ भी मतलब ल्यूसेंट वगैरह कोई भी बुक नहीं कभी रेफर की साइंस के लिए, सिर्फ 9th 10th की एनसीईआरटी, एक एक लाइन एक एक नोट्स अंडरलाइन करके पढ़ता था बस। सेम विद ज्योग्राफी, आपने जैसे बोला था जो जो चैप्टर्स अच्छे से करने के लिए वो किए थे, जी सी लियोंग के आपने जैसे वो क्लाइमेट वाले पार्ट्स बताए थे तो वो मैंने किए थे जब स्टार्ट में, एंड फिर एनसीईआरटी अच्छे से कवर की थी 11th की, दोनों एनसीईआरटी जो इंडिया की, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उसी पार्ट से, तो वो चीज़ कवर की। एंड फॉर पॉलिटी सर पूरा आपने क्या कहा था, लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत करने की पढ़ना जरूरत जरूरी नहीं है। पूरी नहीं, हाँ, बट जैसे जो आप कुछ लेक्चर्स होते थे ना जैसे फंडामेंटल राइट्स या फिर प्रेसिडेंट्स या फिर ये वो चीज़ें थी,
तो वो मैं लाइन से पढ़ता जाता था। एंड उसके बाद क्या होता था कि कभी कभी कुछ आगे भी पढ़ लेता था कि अगर ऐसे बोर हो रहा हूँ तो पढ़ लिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे सर्च कर लिया कि भाई इसका मतलब, या फिर इस ये जैसे आर्टिकल है तो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि टफ लैंग्वेज होती है, समझ में राइट। नहीं आती डायरेक्टली। एंड व्हाट वाज योर तो सोर्स फॉर द करंट अफेयर्स पार्ट? सर करंट अफेयर्स मोस्टली सर मैं यूट्यूब से निकल फेयर करता था मोस्टली, और ऐसा थरो कोई कभी नहीं पढ़ा मैंने करंट अफेयर्स, ऊपर ऊपर से पढ़ता था जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते थे तो उसी से कवर कर लेता था करंट अफेयर्स को मैं बस। ओके, एंड व्हाट आई नीड टू आस्क यू इज लाइक जीएस पार्ट में ज्योग्राफी पढ़ा आपने, पॉलिटी पढ़ा, साइंस पढ़ा एंड देन करंट अफेयर्स, दीज आर द फोर सब्जेक्ट्स व्हिच यू फॉलोड। यस कभी कभी सर ये भी इनसिक्योरिटी हुई यार, कई बार बाकी सब्जेक्ट भी देख लेने चाहिए, लाइक यू आर फ्रॉम अ बीकॉम बैकग्राउंड, यस सर यू कुड हैव टच योर इकोनॉमिक्स पार्ट ऑल्सो। सर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं सर, फर्स्ट ईयर में भी ऐसा था कि आखिरी दिन जाके बस वो गाइड वो आती है वो लेके 20 क्वेश्चंस वाली वो पढ़े जैसे तैसे पास हो गया उसमें बस, बाकी और ओके 2 साल जनरल प्रमोशन हो गया था तो। और साइंस बैकग्राउंड था तो नॉलेज तो बिल्कुल ही नहीं है सर अकाउंट कॉमर्स किसी की भी। और मैंने ट्राई किया था क्योंकि मेरे बाकी दोस्त ऐसे थे कि भाई मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ एंड उनसे क्वेश्चन बन रहे थे तो मैं भी ट्राई करता हूँ, मैंने ट्राई करके देखा सर मैंने बोला नहीं हो पाएगा, अभी टाइम भी कम था एंड इससे हाँ बेटर है कि बाकियों पे फोकस करो जो आपको ऑलरेडी है अच्छे से। बिल्कुल। यस सर अदर पार्ट विच आई नीड टू नो इज अबाउट योर इंग्लिश प्रिपरेशन। यस सर तो इंग्लिश के लिए सिद्धांत शर्मा सर, इंग्लिश के लिए मैंने उनको रेफर किया था, बस वो जो बताते थे उनके नोट्स बनाता जाता था अच्छे से मैं, एंड पेपर के लाइक ऐसा होता था जैसे वो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ता जाता था रोट नी लाइक, मतलब रूल्स इतने सारे एक बार में याद होते नहीं है नॉर्मली क्योंकि एक जैसे होते हैं बहुत सारे, तो जैसे क्लास हुई तो मैं फटाफट एक बार पढ़ लेता था, मतलब रीड ही करता था बस, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और पेपर के एक दिन पहले उसको अच्छे से थरो रिवाइज कर लेता था सारे रूल्स और वो, बट नोट से ही पढ़ता था। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ही लगाता था और कुछ नहीं लगाता था। ओके okay. यस तो सर दोस्त इंग्लिश में अगर आपने कहा कि सर को फॉलो किया, सिद्धांत शर्मा सर को, यस कुछ सर स्ट्रेटजी बनाई थी आपने कि यार इंग्लिश में ऐसे करना पेपर में या ये चीज़ करनी, लाइक यू मस्ट हैव गोन थ्रू ग्रामर मोस्ट ऑफ द टाइम यस सर राइट, बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू योर इंग्लिश इज मच मोर बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कैटेगरी यस व्हाट आई सर हैव एक्सपीरियंस। यस तो सर तुम्हें लगता था कि यार मेरे को कितना का टाइम आप दे पाते थे इंग्लिश में, हाउ मच टाइम वर यू एबल टू गिव फॉर योर प्रिपरेशन पार्ट? सर मैं मोस्टली रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था तो 2x पे अराउंड 1.5 ईयर आस का होता था तो 45 मिनट्स का लेक्चर हो जाता था, देन उसके बाद 15 to 20 मिनट्स रिवाइज करता था जो भी सर क्लास में पढ़ाते थे। एंड उसके बाद उस इनिशियली तो कुछ नहीं किया था मैंने, इनिशियली बस इंग्लिश में इतना ही करता था जो वो पढ़ाते थे एंड जो वो क्वेश्चंस वगैरह देते थे कुछ आखिरी में लेफ्ट ओवर्स रहते हैं वो जो स्लाइड्स में रहते हैं सर बोलते थे कि खुद करना तो वो कर लेता था मैं नॉर्मली, एंड उस टाइम पे इनिशियली नहीं किया, फिर आखिरी में आखिरी के 1 महीने के टाइम पर मैं PYQ स्टार्ट किया था एंड PYQ में भी सर समझ में आ रहा था कि जो रूल्स थे क्योंकि सर भी बहुत सिलेक्टिव पढ़ाते हैं इंग्लिश के मामले में तो उस चीज़ में बहुत बेनिफिट हुआ था उसमें मेरे को, क्योंकि जितने एरर करेक्शंस होते थे तो मैक्सिमम रूल से कवर हो जाते थे, एक आध जो बचता था फिर जैसे जो नहीं समझ में आता था वो मैं जाके किसी कोई बुक से देख लेता था फिर गूगल कर लेता था कि इसका रूल क्या है, तो इंग्लिश में मोस्टली मेरी प्रिपरेशन ऐसी रही थी एंड बेसिक इंग्लिश एक ठीक थी सर मेरी शुरू से तो उस चीज़ का बेनिफिट मिलता था मुझे। मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने आज तक नहीं पढ़ा सर वो कैब वाला पार्ट फोकस ही नहीं क्योंकि किया ज़्यादा। कभी नहीं किया कभी, इसलिए मेरे मार्क्स थोड़े से 10 मार्क्स कम हो जाते हैं हमेशा इंग्लिश में क्योंकि मैं वो कैब नहीं पढ़ता था, तो व्हाट डू यू क्योंकि सजेस्ट फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू अपेयर इन द एग्जामिनेशंस, शुड दे फोकस ऑन इट और नॉट? सर इट डिपेंड्स कि अगर आप थोड़ा श्योर हो कि आपकी ग्रामर अच्छी है एंड यू कैन कवर अराउंड 65 to 70 मार्क्स सिर्फ ग्रामर से तो डेफिनेटली आप ग्रामर कर सकते हैं, बट अगर ग्रामर में इशू आ रहा है एंड सिर्फ थोड़ा वो क्या आपको पता होनी चाहिए सर, एंड वो चीज़ मेरे साथ था कि थोड़ी सी आती थी क्योंकि एफकैट वगैरह के लिए मैंने एक आध बार थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था आप मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं? सर, कटनी मध्य प्रदेश कटनी। कटनी। यस सर एंड कटनी इज अ लाइक अ बिग सिटी और हाउ नो इज इट? नो सर स्मॉल डिस्ट्रिक्ट वेरी स्मॉल तो डिस्ट्रिक्ट योर स्कूलिंग वाज फ्रॉम देयर ओनली? या माय स्कूलिंग वाज फ्रॉम DAV SEC पब्लिक स्कूल सर। ओके, क्योंकि यार मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर अगर एस्पिरेंट्स को देखा, अगर किसी का इंग्लिश अच्छा हो, और मेरे को तुम्हारे से बात करके इतना तो लग रहा है यू हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश, यस द सर वे इट इज नॉट विद मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज, यस लाइक विच सर आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम यूपी, फ्रॉम बिहार और इवन फ्रॉम मध्य प्रदेश, यस सर इंग्लिश में बहुत बड़ा फोबिया है। यस सर
क्या कभी न्यूज़पेपर रीडिंग ऐसा भी फॉलो किया और यू जस्ट फॉलो दीज थिंग्स एंड दैट्स इट? सर एक्चुअली क्या होता था कि जब छोटे थे हम लोग तो मेरी दीदी थोड़ी पढ़ाई में अच्छी थी तो मेरे ऑब्वियसली सीए हैं वो तो काफी अच्छे होंगे तो मेरे पापा का क्या होता था कि तुम लोग घर में इंग्लिश में बात करो, मतलब बहुत पहले से पापा लोग को तो इतनी नहीं आती, बट पापा का ये फोकस था कि तुम तीनों जितनी होती है भले गले टूटी फूटी बात करो, तो था लेकिन बोलते नहीं थे, बट फिर भी जब जैसे पापा बैठे तो बोल देते थे उनके सामने थोड़ा सुनाने के लिए तो वो होता था। एंड बस दीदी का थोड़ा इन्फ्लुएंस हो इंग्लिश को लेकर तो, एंड वो काफ़ी लाइक हेल्प हो जाती थी उसमें। इवन जो 10th तक भी जब स्कूलिंग थी दीदी की, सेम स्कूल था हमारा भी, तो इंग्लिश में वो हेल्प कर देती थी, तो उस चीज़ का एक बेनिफिट होता था क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी थी, जैसे कुछ डाउट हुआ तुरंत जाके पूछ ले तो क्लियर हो जाता था, तो वो चीज़ एक बेनिफिट हुआ। एंड स्कूल सर अच्छा था, लाइक DAV हमारा था, DAV तो काफ़ी बड़ा ब्रांच है सर, तो वहाँ पे एजुकेटर्स मतलब जो टीचर्स थे हमारे काफ़ी अच्छे थे, तो उस चीज़ का भी एक बेनिफिट था। फिर वहाँ पर एनवायरनमेंट भी अच्छा था, लाइक सिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। ओके जैसा सो मैं ये चीज़ तो समझ गया, मेरे को जहाँ तक आपसे बात करके लगा आपने इंग्लिश पे यू जस्ट फॉलोड द क्लासेस एंड यू वेंट ऑन विद द एग्जाम एंड यू वर एबल टू डू इट। यस सर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई सजेस्ट एंड नॉर्मली लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। यस सर। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यार बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जिसने रीडिंग ही नहीं किया होगा, बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आ रहे होते, तो वो प्रॉब्लम आता है। Yes, sir. उस चक्कर में मैं थोड़ा सा ये चीज बात करूंगा। आपने IMA, did you appear in IMA? Yes, sir, I have cleared IMA, this 154D. Okay. CDS 1, 2022. Okay. Yes, इस बार ये आपका IMA भी हुआ क्लियर। Yeah, yes, लेकिन जिसमें रिकमेंड हुए वो सिर्फ OTA था। OTA का, yes, sir. तो अब जाओगे फिर IMA के लिए भी? Sir, I'll go to OTA पहले तो। Okay. And I'll try my best, अभी 23rd September को है कपूरथला मेरा। अच्छा। IMA का। तो मैं अच्छे से ट्राई करूंगा। वैसे मेन एम तो शुरू से एनडीए का था, तो IMA तो कहीं ना कहीं जाना है, जाना ही है। यस सर। जरूर कपूरथला आओगे तो भाई चंडीगढ़ में रास्ते में रुक के ही जाना। जी सर, बिल्कुल सर, राइट। तो वो कोई एक चीज मेरे को समझ आई दोस्त, लाइक योर मैथ्स पार्ट हाउ इज इट? सर मैथ्स मेरा ठीक था, 11th 12th में भी अगर मैं देखा जाए तो नॉर्मल था, 50-55 मार्क्स आते थे मेरे। और मैथ्स का भी ऐसा बहुत अच्छा नहीं था ना, बहुत गंदा था, नॉर्मल मैथ्स था। एंड अभी क्या हुआ था कि मैथ्स ही मेरा सबसे अच्छा था नवंबर वाले अटेम्प्ट में, मतलब ऐसा था कि मैं पिछले 10-15 साल के पेपर लगा के गया था, आई वाज श्योर कि मेरे 50 मार्क्स तो आ ही जाएंगे कुछ नहीं करके भी। मैथ्स मतलब मैथ्स में इतना हो गई थी मेरी प्रिपरेशन, मैं संदीप राज सर को फॉलो किया था मैथ्स में, एंड काफ़ी अच्छा हो गया था मेरा मैथ्स। बट फिर क्या हुआ कि पेपर पता नहीं सर कैसा आ गया था और घूम ही गया था सर वहाँ पर मेरा, सर मेरे को लगता है पेपर में मेरा 107 आए थे OTM, मतलब 138 था कट ऑफ IMA का, एंड 30 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाया था, पता नहीं सर क्या ही हो गया था। अच्छा, वो जो पहले वाले जिसमें आप रिकमेंड हुए थे नवंबर वाला अटेम्प्ट सर, तो कुछ शॉर्टकमिंग दिखी तुम्हें जिस पे तुमने काम किया? व्हाट वाज द शॉर्टकमिंग? सर स्पीड सबसे बड़ी चीज, मैंने कभी टाइम लगा के प्रैक्टिस नहीं की थी। ओके। सबसे बड़ा इशू आया था क्योंकि मैं क्या करता था पेपर लेके सॉल्व करता जाता था, तो वहाँ पे आपको टाइम समझ में नहीं आता, वहाँ पे मैं 3-3, 4-4 घंटे, बाद में जब मैंने एनालाइज किया तो 3-3, 4-4 घंटे लेके कर रहा था। फिर जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आया तो मैंने एक टाइम बाउंड लगाया, मतलब 2 घंटे का लगा के, और 2 घंटे का 1 घंटे 50 मिनट, क्योंकि आपको OMR भरना होता है वहाँ पर, फिर वो आपको बार बार ला के साइन करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, एक घंटा 50 मिनट का टाइम लगा के मैं PYQ करता था मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ्स में। इफ आई समराइज दिस, बिकॉज मैंने भी जब पेपर्स में अपेयर होता था फॉर सिविल सर्विसेज, CSAT का जो पेपर होता था एट दैट टाइम व्हेन इट वाज काउंटेड, IAS में काउंट होते थे पूरे मार्क्स, व्हाट मेरा हमेशा सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रेटजी का ये होता कि यार मैथ्स में करना क्या है, योर स्पीड शुड बी वेरी हाई एंड इट शुड बी, आपने ईगो पे नहीं लगा लेना अगर कोई क्वेश्चन रुकता है, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग एंड दैट इज व्हाट प्रैक्टिस टीचेज यू। प्रैक्टिस टीचेज यू लाइक इन दिस लिमिटेड टाइम, क्योंकि मैंने जो देखा स्टूडेंट्स में लाइक दे आर एबल टू मैक्सिमम अटेम्प्ट इज 50 क्वेश्चंस, 50 से पार जा नहीं पाते, अगर उस चीज को क्रॉस करना है दे हैव टू गो मोर क्वेश्चंस विद इट, इज इट राइट? जितना yes, क्योंकि कई बार क्या होता है पहले 50 तक ही देख पाए, उसमें से 6-7 क्वेश्चन भी अड़े रह गए, आगे क्वेश्चन थे जो आधे आधे सेकंड में भी हो सकते थे वो हम देख नहीं पाए। ये चीज मेरे को सेकंड वाले अटेम्प्ट में रियलाइज हुई, क्योंकि पहले क्या करता था कि नहीं बन रहा ना तो फिर करना है, अब आएगा आंसर, सबसे बड़ी चीज़। और उसके कोई मार्क्स एक्स्ट्रा तो मिलने नहीं, एक्स्ट्रा होते नहीं है, फिर बाहर नहीं है जी समझ नहीं। तो अब ऐसा था कि इस बार वाले पेपर में कि अगर थोड़ा सा भी मेरे को डाउट होता था या लगता था कि टाइम जा रहा है,
क्योंकि मैंने जब पेपर्स एनालाइज किए सर सेकेंड बार बैठ के, मैंने क्या गलती की थी उस नवंबर वाले अटेम्प्ट में, तो देखा कि पीछे मोस्टली इजी क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी, दस ओके पंद्रह क्वेश्चंस का एक ऐसा सेट होता है कहीं ना कहीं कोई जो पेपर में कहीं ना कहीं होता है कि जो इजी होते हैं नॉर्मली, बाकी कंपेयर अगर किया जाए उनसे तो इजी होता है थोड़े से। तो बिल्कुल फिर वो मैंने सोचा कि छोड़ता जाऊंगा, जितने भी थोड़ा भी डाउट हुआ अगर क्वेश्चन में, अगर 1-2 मिनट से ज़्यादा मुझे लग रहे हैं तो मैं स्किप कर दूंगा क्वेश्चन, मार्क कर देता था, गोला लगाता था एंड फिर आगे बढ़ जाता था मैं। तो वो चीज़ मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ, जैसे इस बार आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट अराउंड 65 क्वेश्चन मैथ्स में, तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट हो गया था सर मेरा। एंड मेरा मेरे ख्याल से इस बार मैंने कैलकुलेट किया था तो 40 में इट वॉज अराउंड 112 के आसपास, एंड 52 या 53 वॉज इन इस IIM। बार जीएस में कितने थे जब 112 आए हैं, तो इस बार मेरे शायद 44 या 43, इस बार भी सेम मतलब दोनों 44 ऑलमोस्ट, 45 यू आर और एबल टू यस अचीव, सर यस सर बिकॉज़ 40 दैट इज प्लस व्हाट आई का। हैव सीन। आपने वैसे कोई आपका फ्रेंड किसी ने कोचिंग भी ली हुई है, कोई ऑफलाइन है, कोई ऐसा कोई फ्रेंड कोई मिला आपको, हाँ हाँ सर हैं, आर लाइक दे एबल टू अचीव द स्कोर स्कोर मतलब दे आर नॉट इवन एबल टू क्लियर अभी द तक। 20 मार्क्स इन जीएस, यस दैट सर इज द पॉइंट विच आई नीड टू नो मेक द ऑडियंस ऑल्सो नोट डाउन, क्योंकि यस सर बहुत सारा एस्पिरेंट है जो 20 मार्क्स नहीं कवर कर पा रहा और इन्होंने पिछ 2 महीने में ही ही वॉज एबल टू स्कोर मोर देन 40, दैट इज यस सर बिकॉज ऑफ द राइट गाइडेंस विच आई फील सो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज टू बी फोकस वेयर इट इज टू बी फोकस्ड, यस देर सर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव सीन। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा यार, मैथ्स भी सारा पढ़ा था या उसमें भी आपने सिलेक्टिव टॉपिक्स रखे थे? नहीं सर, मैथ्स मैंने पूरा पढ़ा था ऑलमोस्ट। मैथ्स में मैंने एक टॉपिक मेरे ख्याल से क्या था वो, ट्राइंगल्स तो नहीं सर, ज्योमेट्री मैंने पूरी की थी। मैंने स्टैटिस्टिक्स पूरा छोड़ दिया था सर, स्टैटिस्टिक्स के ओके 10-12 क्वेश्चन आते हैं वो मैंने पूरा छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता था वो मेरे को। मैंने सोचा बाकी ही बेटर है इससे अच्छा। नंबर सिस्टम में थोड़ा थोड़ा डाउट होता था मेरे को, कन्फ्यूज होता था, तो थोड़ा सा पढ़ के गया था कि ऊपर ऊपर से अगर आएगा तो बन जाएगा। तो उसमें से भी सीधे सीधे जो फॉर्मूलेज थे 5-6 में तो लग जाते हैं, जो बाकी के 3-4 क्वेश्चन होते हैं वही थोड़े अटकते हैं, तो मैं छोड़ के आ गया था। तो बस यही था कि जो थोड़े से बन रहे हैं, जो थोड़े से इजी वाले उनको उठाओ, जो बाकी जो टाइम टफ तो रहते थे, टाइम कंज्यूमिंग होते थे ज़्यादा उनमें, मतलब 5-6 मिनट आपको चला जाता था, बन तो जाएंगे वो क्वेश्चन आपसे, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं होते थे लेकिन टाइम बहुत चला जाता था। तो इसलिए मेन फोकस ये होता था कि जो जल्दी हो रहा है पहले वो करो, बाद में इनको देखा जाएगा राइट मैथ्स, और बाद में पहुंच ही नहीं पाते थे, टाइम अगर इन्वेस्ट फिर भी करता। मैं अगर कहूं कि व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच वन शुड टच इन द मैथ्स पार्ट टू स्कोर गुड, व्हाट यू ज्योमेट्री सर, ज्योमेट्री मेरे ज्योमेट्री सर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और आजकल तो एक ट्रायंगल से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि इसका ये है, इसका ये है, तो ये कितना होगा, एंगल्स सीधे सीधे निकालना क्वेश्चन, एंगल्स निकाल लो, या ये निकाल साइड्स लो, निकालना, बहुत सर्कल्स में सेम क्वेश्चन है, मतलब उसमें थ्योरम्स फिक्स है सर, लाइक 10-12 है दोस्त टोटल। मेरा मैथ्स मतलब आई यूज टू लव मैथ्स व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, यस व्हाट आई सर फील इज द मोस्ट ऑफ द जीएस क्वेश्चन दिस मैथ्स क्वेश्चंस आर मोर अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट टाइम, इट्स यस नॉट सर अबाउट द कैलकुलेशंस, रट्टा नहीं एसएससी की तरह इसकी वैल्यू ऐसे है तो इसको ऐसा करो, उस यस समय सर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चलना चाहिए और एंगल निकालने आना चाहिए, ये यस चीज सर मेरे को लगता है दैट इज व्हाट यूपीएससी फोकसेस ऑन इन मैथ्स पार्ट, एंड ज्योमेट्री हो सर गया, मेंसुरेशन हो गया, ये यस सर सारे टॉपिक्स वैसे हैं जो विच आर लाइक प्रैक्टिकल इन लाइफ, यस सर प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में अगर आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो तो वो मेंसुरेशन आएगी। आएगी आएगी यस सर ट्रिग्नो कैसा था आपका? सर ट्रिग्नो 12th तक तो बहुत गंदा था सर। 12th में मतलब मैं बोर्ड में पढ़ के नहीं गया था, बट अभी ऐसा था कि 10th तक का था तो सही हो गया था। एंड संदीप सर ने सर जैसा समझाया था बहुत सही समझाया था सर, बहुत सही, मतलब अच्छे से समझ में आ गया था। हमने जो पूरा ग्राफ वगैरह बना के समझाया था तो अच्छे से बैठ गया था, कि मैंने पहले तो मेरे को ये भी नहीं पता था सर प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, हाँ 3 प्लस थीटा क्या होता है, θ+90, ये सब कुछ नहीं पता था। फिर जाके धीरे धीरे बहुत बेसिक से क्लियर करवाया था संदीप सर ने, तो मैथ्स के लिए तो पूरा थैंक यू उनको बोलूंगा सर मैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने। संदीप ब्राड सर, यस सर ओके सो ही वाज इज आल्सो देयर ऑन अनअकैडमी राइट, यस सर यस सर यू मतलब आपने सारी चीजें अनअकैडमी पर ही पढ़ी हैं, यस जीएस सर इंग्लिश मैथ्स। यस अब एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा दोस्त, लाइक राइट नाउ इट्स लाइक 1 वीक इज लेफ्ट फॉर द एस्पिरेंट्स, यस सर तो व्हाट यू सजेस्ट फॉर द एस्पिरेंट्स कि यार कैसे उनको इस समय लाइक इज इट द मोर रिविजन पार्ट विच शुड बी डन, लाइक 3-4 बार रिवाइज करना चाहिए या मैराथन्स लगानी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर मैराथन्स ही मैराथन्स चलती हैं, आपका क्या कहना कि हाउ वन शुड बी राइट नाउ स्पेंडिंग हिज टाइम फॉर प्रिपरेशन पार्ट?
मेरे हिसाब से सर वो वीडियो देखने वाला और बैठ के वाला टाइम चला गया मेरे हिसाब से। आप मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए जो आपने पढ़ा है, एंड जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे साइंस है, लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, 9th और 10th की दो बुक्स हैं। अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ तो एक दिन में पूरा रिविजन अच्छे से हो सकता है उसका, एक या दो दिन मैक्स में। तो इट्स बेटर कि आप वो चीज़ रिवाइज करो अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, क्योंकि करंट अफेयर्स याद तो होते नहीं, रीड करना पड़ता है उनको बार बार। तो अगर वो है तो आप उनको रीड करो, एंड पॉलिटी में कि रिवाइज कर लो। जैसे बहुत मेजर चीज़ें, जैसे पार्लियामेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन सबसे बहुत पार्ट आते ही हैं, फिक्स है, एक दो क्वेश्चंस आने ही हैं हर बार, तो ये पार्ट्स रिवाइज करें। एंड मेरे ख्याल से मेन फोकस आपका आखिरी टाइम पे होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, एंड ढूंढो कि अगर इसमें कुछ छूट गया है तो मैं फिर से रिवाइज कर लूँ। क्योंकि सर ज्योग्राफी में जैसे आपने एक बार बोला था कि नोट्स मत बनाओ, बस छोटा छोटा लिखते जाओ, तो मैं वैसे ही करता था कि सब हेडिंग टाइप की डाल देता था, क्योंकि जब आप रिविजन करते हैं ना तो फिर आप वापस पूरा वीडियो लेक्चर तो खोल नहीं सकते सर, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। क्योंकि यार ये चीज़ मैं फिर से वो जो आपको कहता हूँ मैं इस वीडियो पे भी कहना चाहूंगा, लाइक आई हैव सीन ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज आल्सो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू कॉपी द बुक ओनली। यस सर, ये होता, आपने भी शायद किया होगा कि नोट्स बना रहा हूँ, कई बार बंदा ना प्रिपरेशन मोड में डिस्गाइज, मतलब इट्स व्हाट आई कॉल इट एज डिस्गाइज प्रिपरेशन। यस सर, यू ओपन आउट अ बुक, आप लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, और रंग बिरंगे पेन भी बहुत मजे से आ रहा है, मजा भी आ रहा है लिखने में, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है। सुबह 6 बजे से लाइब्रेरी बैठा हूँ, रात के 8 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, पर हकीकत यह है कि व्हेन यू चेक आउट योर प्रिपरेशन मोड की कितना याद है, जीरो। और ये मेरे साथ भी होता था यार, मैं और किसी का क्यों बताऊं, दैट इज वॉट आई अंडरस्टूड एट माई प्रिपरेशन डेज। यार ये कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें ना बचपन से सिखाया क्या गया, इट्स अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू पुट इन प्रिपरेशन, बट आई डोंट फील इट इज अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू पुट इन प्रिपरेशन। डेफिनेटली सर, इट शुड बी लाइक हाउ मच यू आर एबल टू गेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप सो रहे हो आपको ये पता होना चाहिए यार ये चीजें मैंने जो पढ़ी है मेरे दिमाग में है कि नहीं। एंड द बेस्ट थिंग आउट ऑफ नोट शुड बी लाइक सिनॉप्सिस शुड बी क्रिएटेड और माइंड मैप शुड बी मेड अप, यस सर, ताकि ये स्ट्रक्चर है। और शायद मैंने पढ़ाने समय भी आप लोगों को यही कहा कि लिखना नहीं है मेरी क्लास में कुछ भी। डिड यू फॉलो दैट थिंग ओनली? यस सर, आई डिड फॉलो दैट, बट मैं क्या करता था, क्योंकि रिविजन कहीं ना करना पड़ता है, आखिरी में टाइमलाइन पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है। हाँ जैसे आप पढ़ाते थे तो सही से मतलब पूरा अरेंज हो जाता था कि अगर पहले ये पढ़ना है तो फिर बाद में, ये तो समझ में आता है अच्छा अच्छे से। तो मैं लिखता जाता था सब हेडिंग्स में, एंड कुछ कुछ जैसे आपने सब उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया तो बस उसको बहुत रफ हैंड राइटिंग में लिख लिया, बस ऐसा करता था। एंड ताकि आखिरी के टाइम पे मेरे पास एक ये हो कि ये पढ़ना है मेरे को, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है भूल जाते हैं सर कि ये भी था। इसलिए बस मैंने एक मेरे ख्याल से 10 या 12 पेज का होगा मेरा टोटल सिनॉप्सिस बनाया और उसको रिवाइज बस बस उससे किया। और जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलते थे, और जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था एनसीईआरटी में, जैसे आपने कुछ पढ़ाया है मेरे को याद आ गया, तो मैं एनसीईआरटी में ही उस टॉपिक के ऊपर लिख लेता था। लेकिन मेरी एनसीईआरटी या फिर लक्ष्मीकांत, मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाया, उसी में अंडरलाइन करके उसी में बोलता रहता था बुक्स में। तो यही था सर बस उसमें, तो नोट्स दैट इज अ कैसे परफेक्ट वे रहता, बिल्कुल। क्योंकि दोस्त ये सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कंपाइल करना और इसको रिवाइज करना। यस सर, बहुत दुनिया में आपको रजिस्टर भरवा देंगे 10 10 12 12, जो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज 20 20 रजिस्टर भर रखे हैं, लेकिन उसका सिनॉप्सिस बनाया ही नहीं है, और बाद में रिवाइज करते जाओ आप, रिविजन होगी नहीं। और जीएस में इट्स अबाउट रिविजन, सो डेफिनेटली ही इज अ टेस्टिमनी टू व्हाट आई हैव सेड, इट्स राइट नाउ इज द टाइम टू रिवाइज द थिंग्स, जितना हो सके उतनी बारी रिवाइज करेंगे तो वो आपके माइंड में प्रॉपरली सेटल हो चुका होगा चीजें। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे दैट विल डेफिनेटली ब्रेक अप योर प्रिपरेशन पार्ट। यस, और उससे क्या होगा, आप मैराथन तो लगा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता पेपर में क्वेश्चन क्या आना, पर मैराथन ही चल रही है। यस सर, समझ रहे हैं, ये मैंने देखा, लाइक यू टोल्ड मी कि मॉक्स, और मैंने मॉक्स भी ऐसे ऐसे देख लिए जिसमें कोई लेना देना ही नहीं है यूपीएससी के पेपर का, कुछ भी मॉक हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐप से ट्राई किया मॉक्स लगाने का, इनिशियली मैं लगाया भी, बट एक बार एक चीज के बाद जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखे ना, तो समझ में आता था कोई रिलेशन ही नहीं है सर उनका, कहीं के भी क्वेश्चंस उठा के देते, इवन पॉलिटी में ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चंस होते थे, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ, ये यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा, पर ये करवाए जाएंगे और नाम दे दिया जाएगा सीडीएस। हाँ, इवन एनडीए में भी ये लेवल नहीं है अब। यस सर, तो इसलिए राइट, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही फॉलो करता था। दिव्या की जो दिशा की, दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो रेफर कर लिया, और लक्ष्मीकांत के सर पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी लक्ष्मीकांत के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं प्रीवियस वगैरह, अगर वो आपसे बन रहे हैं उसमें 80% बन रहा है, तो मतलब आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है।
तो वो मैं लगाता था एग्जाम के 15-20 दिन पहले टू चेक कि हाँ मेरे से बन रहा है। और जैसे उसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स होते हैं तो सारी चीज़ें रिवाइज भी होती जाती हैं। जैसे अगर पंचायत का कोई एक क्वेश्चन आया उसमें 4 पॉइंट्स हैं तो अपन ने पढ़ तो लिया पूरा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बुक में भी नहीं दी होती, माइनर पॉइंट्स होते हैं ऐसे जो क्वेश्चंस में आते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल वो उससे बहुत हेल्प होती थी कि अच्छा ये भी होता है, फिर 4 में से 3 सही है, अच्छे से हो जाता था सब बिल्कुल। कुछ। आई ऑलवेज से दिस थिंग रादर, मैंने इस बार ही अगर आपको, शायद मैं बता रहा हूँ, मैंने साइंस के, आपने CFF दिया इस बारी? नो सर, CFF मैंने आज तक नहीं दिया सर। दिया ही नहीं इस बारी अभी नो भी। सर, नो तो सर। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, लाइक व्हाट आई हैव बीन टीचिंग ऑन इवन शौर्य चैनल जो अभी जिस पे हम करेंगे, उस पे मैंने प्रॉपरली ये चीज किया कि सारे NDA के साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए पिछले 10 साल के। उससे क्या होगा, स्टूडेंट को एटलीस्ट पता चलेगा पढ़ना क्या। यस सर, आज भी बच्चा बेचारा लूसेंट पकड़ के बैठा, पाथफाइंडर, आपने भी पाथफाइंडर खरीदी खरीदी कि नहीं? तो व्हाट तो वाज है योर सर। एक्सपीरियंस विद पाथफाइंडर? तो उसमें मैथ्स लगाया था मैंने थोड़ा सा, फिर संदीप सर से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, तो फिर वो अपनी PDFs देते हैं वो, तो फिर उनसे पढ़ने लग गया था मैं ऐसा नहीं, था। अदरवाइज व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू पाथफाइंडर जीएस पाथ में? जीएस भी पढ़ी थी वहां से? हाँ नहीं, सर GS नहीं पढ़ी मैंने पाथफाइंडर से, पर मैंने देखा था एक बार कि सोचा था कि रिवाइज देखता हूँ कैसा है, क्योंकि छोटा सा होता है उसमें, मैं पढ़ के देखता हूँ। पता नहीं सर क्या, मतलब साइंस में तो पता नहीं क्या क्या चीजें दी हुई सर, एकदम मैं समझ में वही नहीं आ चीज़, रहा आज क्योंकि की यार चीजें। मैं यहाँ पर, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी बुक को डिस्करेज करूँ, लेकिन सबसे पहली ज़रूरत है, चाहे आप बुक भी खरीदो चाहे क्लासेस भी दो, यस स्टूडेंट सर, को मत डिसगाइड करो, मिसगाइड करो प्रॉपरली। ये बहुत सारा यही चीज़ होता है, क्योंकि इसमें फ़ोटो लगा दी फौज की आगे और कुछ भी डाल दिए गए नोट्स में, दैट इज़ बीइंग पीपल ट्राइड, 3-3, 2-2 साल की तैयारी के बाद दे आर फीलिंग लाइक वो फौज के लिए बने नहीं, जबकि प्रॉब्लम ये थी कि उनको राइट गाइडेंस ही नहीं मिली। गाइडेंस नहीं मिली क्या आपको थी। ये भी लगता कि यार ये पेपर मुश्किल है? ईमानदारी से बताइएगा, अंदर से लगा कभी ये मुश्किल है? पहली बार लगा था सर ये वो मैं बोलूंगा, बट जैसे मेरा फर्स्ट बार क्लियर हुआ ना, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आपने सही जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप सही जा रहे हैं, वो चीज पता चल जाती है, तो उसके बाद अच्छा कॉन्फिडेंस। सर मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेरा एक फ्रेंड था, नवंबर में उसका IIM क्लियर हुआ था, एंड उस बंदे का इंटरव्यू था मेरे ख्याल से 10th अप्रैल को था पेपर CDS 1 का, 2022 का। तो उसका 10 दिन पहले ही वो स्क्रीन आउट हुआ, एंड ही वॉज ऑलरेडी रिकमेंडेड, AFCAT एंट्री थी उसकी। तो 10 दिन थे सर उसके पास, सिर्फ 10 दिन। उसके पहले उसने सिर्फ SSB की तैयारी कर रहा था, वो आया उसने सिर्फ जो उसने पहले पढ़ा था, उसने आखिरी में आके 8 दिन रिवाइज किया उसने, लाइक 5 घंटे 6 घंटे सोता था बस, बाकी टाइम रिवाइज करता था वो। एंड उसने OTI में दोनों क्लियर किया सर, अभी फिर इस बार फिर से, अभी फिर से वो IIM का देने जाएगा। तो बस वही चीज़ है कि रिविजन अच्छे से होना चाहिए, जो आपने पहले से पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर मैं तीनों सब्जेक्ट्स में अगर बात करूं, GS, मैथ्स, इंग्लिश, यस सर। पेपर से पहले सबसे बड़ा फोबिया किसका था? सर फोबिया मेरे ख्याल से GS का ही रहता है हमेशा सर। GS का रहता, क्योंकि हमारा यस बैकग्राउंड नहीं है ना, हमने कभी ज्योग्राफी पॉलिटी यस पढ़ा, सर, उसी में ही यस सबसे सर, ज़्यादा मिस गाइडेंस है जो मैंने देखा। हाँ, ठीक यस है जी, सर। चाहे वो मॉक्स के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाने के मामले में हो सर, एक सही वो है ही नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, एक पोर्टफोलियो टाइप का उसके लिए कि क्या आएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कभी भी कुछ भी आ जाता है, पर ऐसा नहीं होता सर, कभी भी कुछ भी आ जाता है। ये चीज तो दोस्त मैंने यही तो चीज सिखाई है, और इसी पे मैंने पूरा हाँ अपना टाइम लगाया। लाइक हाँ इन द UPSC एग्जाम, इवन CDS एग्जाम, यस वी कैन सर, इजिली नो व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन द पेपर, यस सर, इजन इट? ज्योग्राफी में आपको पूरा दिखता था कि यार जो जो हमने बात की है वही आए हैं, यस नॉट अ सर, सिंगल क्वेश्चन वॉज आउट ऑफ द वे, इवन फॉर यस दैट सर, मैटर पॉलिटी यस सर, एंड साइंस ऑल्सो। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट विद हिस्ट्री, दो यू डेंट, आपको हिस्ट्री उस समय मैंने वैसे भी NCERT से करवाई नहीं थी, आपने हिस्ट्री अभी आपने रिसेंटली चालू की थी अभी अप्रैल चल में रही कुछ है टाइम दोस्त, पहले। अभी चल भी रही है, हाँ एंड आई विल हाँ डेफिनेटली मेक श्योर दैट ऑल द पीपल हु आर रियली वेरी सीरियस फॉर दिस एग्जामिनेशन, दे कैन इजिली स्कोर वेरी गुड इन द GS पार्ट। यस सर। सर इवन अगर मेरे पास अभी कोई आता है ना कि पूछने के लिए कि कैसे पढ़ाई की थी कैसे की थी, तो उनको मैं सिंपल एक सजेशन देता हूँ, अनअकैडमी ले लो। जैसे वो बोलते हैं कि यार ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, तो सबसे अच्छा रीज़न सर पैसे इतने बचते हैं ऑनलाइन हाँ एजुकेशन में, ऑब्वियसली यार, कहीं कि पे जाना पैसे है कोचिंग के लिए, रहने सहने कोचिंग अगर का, कहीं जाना है सर, 30-40 दिन का कोर्स वो देते हैं, 18,000 का, 15,000 का, फिर रहने का अलग, घर से बाहर सबसे बड़ी चीज़ वो रहती है, एंड एक टाइम कंस्टेंट हो जाते हो आप, कि आपका पूरा शेड्यूल चेंज होता है उनके हिसाब से। तो क्योंकि अब जैसे मेरा सर ये है कि मैं रात को ही पढ़ाई कर पाता था,
और मेरा वर्कआउट भी रात को ही होता था, लाइक मैं 12-1 बजे के बाद वर्कआउट चालू करता था, 2 बजे तक वर्कआउट किया था, 2 बजे से पढ़ने बैठता था, सुबह 8 बजे तक पढ़ता था, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होते थे तो फोन करके यार चल चाय पी के आते हैं, चल डोसा खा के आते हैं, तो ये सीन होता था, तो इसलिए मैं रात को पढ़ता था, रात को ही वर्कआउट करता, मतलब जितने इंपॉर्टेंट काम है रात को खत्म करो एंड उसके बाद दिन में थोड़ा बहुत टाइम पास भी कर लो। अब दोस्तों थोड़े से क्वेश्चंस, फिर मैं एंड में फिर से एक बार यही पूछूंगा कि लास्ट मैसेज फॉर एस्पिरेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द पेपर, पर पहले मेरे को ये बता दीजिए अभी हॉबीज सर क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज में मैंने अभी बहुत सेल्फ एनालाइज किया था एसएसबी के मेरे को टाइम पे। ऐसा नहीं कि वो इंटरव्यू के लिए चाहिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए, नहीं, वैसे मतलब सर आपके शौक क्या है, मैं अगर हिंदी में पूछूं मतलब यस सर व्हाट यू फील लाइक, व्हाट यू डू? सर आई लव प्लेइंग वॉलीबॉल। जैसे अगर ओके, कभी यू आर अ मैं, नेशनल लेवल प्लेयर ऑल्सो। यस सर, आई रिप्रेजेंटेड मध्य प्रदेश थ्राइस। तो मेरे को ऐसा रहता है कि थोड़ा भी अगर फ्री टाइम होता है तो मैं ग्राउंड चला जाता हूँ, अदरवाइज रनिंग कर लेता हूँ मैं। स्किपिंग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्किपिंग एंड साइकिलिंग, ये चीज़ें ऐसी हैं सर। एंड बुक्स रीडिंग बिल्कुल भी नहीं। इवन एसएसबी में भी सर ये चीज़ हुई थी, इंटरव्यू में मेरे से पूछा था कि हाउ डिड यू क्लियर सीडीएस जब तुमको बुक नहीं पढ़ना आता या फिर बुक नहीं पढ़ पाते तुम। तो मैं सर पढ़ना पड़ता है सर, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। धन्यवाद। अच्छा, तो मैं ये एसएसबी बोल में कोई गया ऐसा क्वेश्चन विच वॉज लाइक विच शुड बी शेयर्ड विद द ऑडियंस हियर, द एसएसबी में क्वेश्चन सर। एक ऐसा? हाँ जी, मेरे साथ तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ नहीं था। मेरी कॉन्फ्रेंस भी बहुत छोटी चली थी, 1 मिनट, और डिस्कशन भी 2 मिनट का था उसके पहले। बट मेरा एक जो बाद वाला चेस्ट नंबर था उसको पता नहीं सर हाउ डिड दे फिगर आउट दैट इसकी ज्योग्राफी थोड़ी सी वीक है। तो उससे सर इतने ज्योग्राफी के सवाल पूछे, इतने सवाल पूछे उससे ज्योग्राफी के कि यहाँ के लेक बताओ, यहाँ का सी बताओ, ये सी, यहाँ ये पास, ये स्ट्रेट। तो सर उसको पागल कर दिया उस चीज़ में। उसका इंटरव्यू का 10 से 15 मिनट सर सिर्फ रोस्ट किया उसकी ज्योग्राफी के लिए। उसको ओके okay. पता नहीं सर कैसे उसको पता लग तो फिर गया। तुमसे कुछ ऐसा पूछा ही नहीं कोई सब्जेक्टिव नॉलेज के पार्ट का? मेरे से पूछा था सर, थोड़ा सा डिफेंस के रिलेटेड पूछा था उन मेरे से, बट वो भी मेरे साथ उतना अच्छा नहीं था। उनने मेरे से क्रूज और बैलिस्टिक का डिफरेंस पूछा था, तो वो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद उनने 2-3 मिसाइल्स की रेंज पूछ ली मेरे से, मैंने मिक्स कर दी थी सर उसकी क्रूज की और बैलिस्टिक की। तो उनने बोला क्रूज की रेंज कितनी होती है, मैंने बोला 5,000। तो बोलते 5,000 होती है, मैं बोला यस सर। मैं भी बोल के आ गया। तो फिर उन्होंने बोला था ठीक है, गो सर्च फॉर इट, आई डोंट थिंक कि ये करेक्ट है। मैं बोला ओके सर। इंटरव्यू भी सर ऐसा बेसिक ही चला था, मोस्टली PIQ से रिलेटेड, आपकी तो लाइफ से तुम्हें क्या रिलेटेड। लगा यार, व्हाट वाज द मेन लाइक क्या पॉइंट था तुम्हारा जो तुम्हें सिलेक्शन मिली उसमें एसएसबी में, दैट यू गॉट रिकमेंडेड? कुछ तो तुम्हें भी सर अंदर से पता चल जाता है, एक वक्त है मैं समझता हूँ, टाइम है, वो सब है, पर कुछ तो तुम्हें लगा हो यार हाँ मेरे में है जो जिसके कारण मेरे को वैल्यू मिली है, दैट इज सिंस बर्थ, और वो मैंने ग्रूम बनाई बनाई है अपनी, व्हाट वाज द थिंग व्हिच यू फेल्ट लाइक दे मस्ट हैव चूजन यू बिकॉज ऑफ दैट? सर एक तो मेरा रीज़न ये मेरे को लगता है कि क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, तो रोज़ नए लोगों से मिलना और खेलना उनके साथ, तो एक आपको पता होता है कैसे रिएक्ट करना है कैसे। जैसे GTO में ये चीज़ बहुत काम आती है, क्योंकि वहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है ये करो वो करो वो करो, तो मैनेज करना कैसे ग्रुप को आता है। तो वो जब आप इंडल्ज होते हैं उन सब एक्टिविटीज़ में, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। GTO में एक वो चीज़ मेरे को हेल्प करी थी, मेरे को लगता है कि जो मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है उसकी वजह से मेरे को थोड़ा कैसे बात करनी है कि कोई अगर चिल्ला भी रहा है। जैसे स्पोर्ट्स में बहुत बार होता है सामने वाला टीम वाला गाली दे रहा है फिर कुछ बोल रहा है, तो आपको नहीं करना होता। तो वो एक कंट्रोल उसकी वजह से आया। एंड दूसरी चीज़, दोस्त अच्छे बना लेता हूँ, जल्दी बना लेता हूँ। वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है सर मेरा, कि अगर कोई बैठा है बाजू में तो आई इनिशिएट और बात करने ऑब्वियसली लगता बीइंग अ हूँ। स्पोर्ट्समैन यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, और यस वो सोशलाइज होता है बंदा, स्पोर्ट्समैन में ये हाँ चीज़ होती है हाँ तो मतलब ऐसा लाइक कि अगर सामने से जाके बातचीत बात करने लगूंगा, कोई भी टॉपिक उठा के बात करने लगूंगा, एक वो चीज़ थी। और बाकी सर पता नहीं, हमारा एक इस चीज़ से रिलेटेड एक और चीज़ बताऊंगा। जैसे जब रिकमेंड हो गए थे, तो वहाँ के शायद जो कमांडेंट थे SSB के, कोई तो थे वो, मतलब ही वॉज ऑफिसर, ही वॉज एन ऑफिसर। तो उन्होंने हमें बुलाया, हम 5 रिकमेंड हुए थे हमारे बैच से, हमें खड़े किया एंड ही वॉज लाइक, सुनो बहुत सारे ज्ञान देने वाले बैठे हैं यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि अब रिकमेंड हो गए हो तुम अपना यूट्यूब चैनल खोल के ज्ञान ज्ञान देने शुरू कर दो। देना शुरू कर दो। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कैसे रिकमेंड हुए हो, बॉर्डर लाइन हुए हो कि किसी ने दिया है कि नहीं किया है, कि हो गए बस, मतलब निकल गए बस। तो इसलिए
दूर रहे क्योंकि वहाँ पे और भी बैचेस थे एसएसबी के, तो उनने सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि कोई भी फालतू का ज्ञान मत देना बिल्कुल भी किसी को, शांति से रिकमेंड हो गए, खुशी मनाओ, घर वालों को बताओ, लेकिन ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी ज्ञान देने लगो कि ऐसा करो वैसा करो। और एक और चीज़, कॉन्फ्रेंस के पहले एक थोड़ी सी ब्रीफिंग होती है जो भी एक ऑफिसर आके आपको बताता है, तो उनने भी ये चीज़ बोली थी कि कोचिंग से हमें दिक्कत नहीं है, राइट गाइडेंस होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कुछ जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एकदम वॉश कर देते हैं आपका, चाहे वो साइक हो चाहे वो पढ़ाई को लेकर, वो नहीं होना चाहिए। हमें दिक्कत उससे है, हमें प्रॉपर गाइडेंस अगर कोई बंदा सही दे रहा है तो उस कोचिंग में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई गलत कोचिंग या गलत गाइडेंस लेके आया तो डेफिनेटली उनको तो हटाना ही पड़ेगा। हमने सीधा ये चीज़ बताया था, एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि कोचिंग वालों का क्या इफेक्ट होता है सर, क्योंकि बहुत सारा बाहर यूट्यूब पर होता है सब चीज़ें कि नहीं लेनी चाहिए या फिर लेनी चाहिए, तो हमें ये चीज़ सिंपल बोली साइड गाइडेंस होनी चाहिए। अब हाउ वाज योर पेरेंट्स लाइक उनका कैसा फीलिंग था जब व्हेन यू टोल्ड देम दैट यू आर नाउ रिकमेंडेड एंड यू आर गोइंग टू जॉइन द फोर्सेस? सर ऐसा घर वालों को ज़्यादा पता था नहीं इस बारे में कि एसएसबी क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, तो जब रिटर्न निकला था तो घर वाले इतना खुश हो गए थे कि चलो बस बन गया। तो वो चीज़ रही थी, फिर मैंने सुना नहीं अभी इंटरव्यू हुआ, मतलब क्योंकि मेन पार्ट एसएसबी ही होता है डिफेंस में, तो उसमें मैंने समझा, तो उनको फिर धीरे धीरे समझ में आया। तो जैसे एसएसबी निकल गया तो फिर मैंने 5 मिनट के लिए फ़ोन मिला था, मैंने घर में बता दिया कि मैं रिकमेंड हो गया, और मैं ये बोलना भूल गया कि अभी बताना नहीं कि मेडिकल्स हैं अभी। तो जब जब मैंने आधे घंटे बाद फिर फोन किया तो मतलब पूरे खानदान को पता चल गया था सर मेरे मैसेज आ रहे हैं मेरे यहाँ से वहाँ से, फिर क्योंकि मेडिकल्स सर काफ़ी लंबा हाँ। होता है, पता नहीं होता सर क्या हुआ, बिल्कुल भी नहीं होता था, तो इसलिए थोड़ा सा वेट था। टीआर मिला था मेरे को एक ओके हाँ, एक्चुअली जिस दिन ब्लड टेस्ट हुआ था उस दिन मेरे को सर्दी खांसी थी, और तो इसनोफिल्स होता है सर हाँ, वो बढ़ा हुआ था मेरा, 1 से 2 से 6 होना चाहिए, तो मेरा शायद 8 या 9 था, तो उस वजह से मेरे को टीआर मिला था। बहुत बेसिक चीज़ों में टीआर देते थे हीमोग्लोबिन के लिए, प्लेटलेट के लिए। ओके अब दोस्त मेरे को लेट्स कंक्लूड दिस इंटरव्यू। Yes, sir. Please, like there are a lot of aspirants who are watching you right now. Yes, sir. In a sense, वही चीज़ coaching नहीं, हमें सिर्फ एक right guidance देनी है यार paper में, अभी क्योंकि 4 सितंबर को paper है, how they should pursue it? Sir, मेरा suggestion ये होगा कि जिस भी teacher से या फिर जिस भी book को आपने पहले refer किया हुआ है अभी उसी को पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप YouTube पे देख रहे हैं कि कोई नया एजुकेटर आके फिर कोई नया टीचर आके बोल रहे हैं कि आप ये पढ़ें, क्योंकि उतना टाइम बचा ही नहीं सर, मेरे ख्याल से 4 सितंबर को तो 10 दिन बचे होंगे और कमी बल्कि इट्स बेटर कि आपने जो भी पढ़ा है उसको याद करो कि क्या क्या पढ़ा है एंड उस हिसाब से रिवाइज करो, क्योंकि क्या होता है एग्जाम टाइम में अपन भूल जाते हैं कि पढ़ना क्या है। जैसे ज्योग्राफी में मेरे साथ एक बार 1-2 टॉपिक ऐसा हुआ था क्योंकि मैंने नोट्स उसके नहीं लिखे थे तो भूल गया था, तो आप एक आध टाइम लगा के थोड़ा ये लिख लो कि क्या क्या रिवाइज करने वाले सब्जेक्ट्स बचे हैं एंड बस वो चीज़ें पढ़ो जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। करंट अफेयर्स रीड करो जितनी बार हो सकता है, क्योंकि याद तो होते नहीं है, बस ये है कि आंसर आता है सामने तो याद आ जाता है, क्लिक कर जाता है कि हाँ ये चीज़ थी उसमें। तो मेरे हिसाब से तो सर रिविजन ही अभी है, जो 10 दिन आपको करना चाहिए प्रॉपर जो भी चीज़ पढ़ी है, या फिर PYQs आप देख सकते हो थोड़े से, एंड जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत के पीछे देख सकते हो जस्ट टू चेक योर नॉलेज, एंड उससे काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से 150-160 क्वेश्चन ही हैं बस उसमें लक्ष्मीकांत के पीछे, बिल्कुल क्वालिटी के लिए वो कर सकते हैं। साइंस के लिए स्पेशली जो रेड बॉक्सेस होते हैं NCERT में, वो मेथोनिक एसिड क्या सर कोई सा तो स्टिंग वाला मेथोनिक एसिड तो वो चीज़ डब्बे में दी हुई थी मेरे ख्याल लाल डब्बा था, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वो चीज़ें रिवाइज कर लें साइंस में एंड ज्योग्राफी में सिंपल कॉन्सेप्ट जो भी पढ़े हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, कि क्योंकि टर्म्स बहुत सारे हैं ज्योग्राफी में, तो थोड़ा सा उस चीज़ को बस रिवाइज करें। बाकी नया मेरे को नहीं लगता कि कुछ अप्रोच रखना चाहिए अभी इस टाइम पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लाइक आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड हाउ वन शुड सिंप्लीफाई योर प्रिपरेशन, डोंट कॉम्प्लिकेट इट थ्रू यूट्यूब एंड एवरीथिंग, लाइक ये भी चीज़ वो भी चीज़ ये भी चीज़, दैट विल बी ओनली मिस गाइडिंग यू एट दिस मोमेंट। एंड थैंक्स अ लॉट रोहन फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम and Thank guiding sir, lot of people for guiding lot of people who are like who need a right guidance right now, ki what should they do right now. Yes sir. Thank you and really wish you all the best, like you Thank definitely you should you can say you will achieve lot of endeavors which have you have like thought of. Thank you. Thank you. Jai Hind. Jai Hind sir.